गरुड़ तहसील के ग्राम गोपालपुरा टैंक के लोग पिछले 48 सालों से अपने ही गांव में बने तालाब के पानी की दहशत और रिसन के कारण नारकी जीवन जीने को मजबूर है। तालाब निर्माण के बाद ग्रामीणों द्वारा लड़ी गई लंबी लड़ाई से कोर्ट ने हालांकि 28 साल पहले समस्या से निपटने के लिए उन्हें विस्थापित करने का आदेश तो दे दिया, लेकिन प्रशासन द्वारा कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने से गांव के लोग आज भी खासे परेशान हैं। ग्राम गोपालपुरा टैंक में पिछली शताब्दी के वर्ष 1974 में जल संसाधन विभाग ने सिंचाई के एक तालाब का निर्माण करवाया था। 42 फीट ऊंची पार वाले इस तालाब की परिधि 8 किलोमीटर लंबी है। इस विशालकाय तालाब से दो नहरों के जरिए नौ गांव की 4972 एकड़ जमीन में सिंचाई होती है। अक्टूबर में महीने से ही ग्राम चचाउदा, सोहनगढ़, बलमऊ, खेरखेड़ा, गारिया खेड़ी, लसुड़िया, कराड़िया, पुनिया खेड़ी और गोपालपुरा में नहरों के जरिए छोड़ी गई पानी से यहां फसलें पैदा होती है। इस तालाब के पार के निचले हिस्से में 45 परिवारों की एक बस्ती के लोग पिछले 48 सालों से नरकी जीवन जी रहे हैं। तालाब की रिसन के कारण यहां एक फीट गहरे गड्ढे में ही पानी भर जाता है और करीब 8 महीने तक बस्ती में सीलन भरा माहौल रहता है। मार्च महीने के आखिरी सप्ताह तक यहाँ यही हाल रहने से लोग ठंड के सीजन में ठिठुर कर रातें बिताते हैं। वहीं बारिश के दौरान तालाब के वेस्ट वियर से पानी उगलने की दहशत से भी लोगों की रातों की नींद हराम है। इस मामले में यहाँ के लोगों द्वारा कलेक्टर कोर्ट में अपील के बाद कोर्ट ने सन 1995 में एक आदेश पारित कर तालाब के ऊपरी हिस्से की शासकीय भूमि पर बस्ती को स्थापित करने का फैसला दिया था, लेकिन तहसील के अधिकारियों द्वारा उस आदेश का आज तक पालन नहीं करने से यहाँ के लोग अभी भी बदहाली का जीवन ही जी रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इसी साल गांधी सागर के पानी का नहरों के जरिए सिंचाई में उपयोग किए जाने के फैसले के बाद इस गांव के लिए लोगों की चिंताएं और बढ़ गई है। फैसले के मुताबिक इस तालाब में अब साल भर गांधी सागर से पाइपलाइन के जरिए पानी भरा जाएगा, लिहाजा यहां के लोगों ने इस स्कीम की शुरुआत के पहले ही विस्थापन की कार्रवाई की मांग उठाई है। उधर मामला काफी पुराना होने से मंसूर कलेक्टर पूरे मामले से बेखबर है, हालांकि उन्हें जल्द ही कार्रवाई करने की बात कही है। ये 1995 का आप मामला बता रहे हो, जब हम लोग शासकीय सेवा में आए भी नहीं थे और तकरीबन एक साल हो गए मुझे यहाँ पे, मुझे इस घटनाक्रम के बारे में कोई जानकारी नहीं है और किसी व्यक्ति ने इस संबंध में मुझसे कभी संपर्क नहीं किया है। और अगर 1995 में अगर कोई घोषणा हुई होती या कोई नीति के आधार पर कोई निर्णय हुआ होता तो निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई हो गई होती। इसमें जब तक मेरे सामने